हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की डेट में ये पहली वीडियो है, और अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर वीडियो की, तो एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड हम बातें करने वाले, जो कि यहाँ पर बेहतरीन नजर आता है। और जैसे कि हमारा टारगेट रहता है कि इतने परसेंट के रिटर्न हमें मिल जाए, तो हम अच्छे खासे पैसे वहां से कमा सकते हैं। तो ये स्टॉक्स अगर हम बात करें स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो उसके लिए भी रख सकते हैं, जब तक इसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को तब तक अपने पोर्टफोलियो में रखने का होता है जब तक उसके रिजल्ट अच्छे आते रहते हैं। जब भी रिजल्ट एक क्वार्टर या फिर दो क्वार्टर में बिगड़ने लग जाए, तो समझ लीजिएगा वो स्टॉक्स यहाँ पर आपको नीचे जा सकता है। इसकी हिस्ट्री में कभी भी किसी भी स्टॉक्स को उठाइएगा, जिस भी साल कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, स्टॉक्स नीचे आया है, और इतना नीचे आया है कि फिर वो ऊपर जाने में कितना टाइम लगा है वो आप समझ सकते हैं। तो उस केस में आप यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, बट उसकी नहीं हम बात कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग की। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, जानते हो स्टॉक से रिलेटेड जिसने यहाँ पर दो बार स्प्लिट दिया है 2005-2016 में। एक का फेस वैल्यू भी है, काफी अच्छा बेहतरीन शेयर है, तो उससे रिलेटेड बातें करते हैं। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, जितना हो सके हमारे चैनल को सपोर्ट करने की कोशिश करें। हर एक वीडियो को जाके देखिए, लाइक करें, कमेंट करें, और हमसे कॉन्टेक्ट करना है तो इस पर्टिकुलर नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बढ़िया फाइनेंशियल सर्विसेज एज वेल एज स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स दिए जाते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिस स्टॉक से रिलेटेड बातें कर रहे हैं उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। 200 रुपए के आसपास का ये स्टॉक अभी चल रहा है, ओके, स्मॉल कैप यहाँ पर ये शेयर है। इससे पहले भी इस शेयर को यहाँ पर काफी बार कवर अप किया है, और उस टाइम भी अच्छे खासे रिटर्न मिले थे। अगेन यहाँ पर इस शेयर को अब रिकमेंड किया जा रहा है 28% के अलावा, पर 52,000 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए थे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। इसके अलावा कंपनी डिविडेंड भी यहाँ पर देती हुई नजर आती है, 52% के शेयर यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है, कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी के नाम की बात करें तो कंपनी का नाम क्या है यहाँ पर डाल लेते हैं, तो कंपनी का नाम यहाँ पर है ग्रीन प्लाय, कंपनी का नाम है ग्रीन प्लाय। मैंने आपको ग्रीन पैनल भी बताया है आपको काफी बार, अब ग्रीन प्लाई भी पहले बताया है अब, बट दोबारा यहाँ पर ग्रीन प्लाई से रिलेटेड बातें करेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे जैसे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें होगी, जैसे जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, जिस तरीके से यहाँ पर स्टॉक्स अगर हम देखें घर सेल आउट होते नजर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो यूज होते हैं उनमें से एक प्रोडक्ट यहाँ पर ग्रीन प्लाई का भी है, जो कि यहाँ पर घरों में यूज होता हुआ दिखाई देता है, जो कि वुड। आप यहाँ पर जाएंगे इनकी वेबसाइट पे, आपने देखा भी होगा यहाँ पर इनकी वेबसाइट से रिलेटेड न्यूज पे और यहाँ पर आप देखे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारी एड यहाँ पर आती रहती है। तो यहाँ पर अगर ग्रीन प्लाई की बात करें तो ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर इनके दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक बार चले जाइए तो यहाँ पर पता चलेगी कि जितने भी ये आपके डोर से रिलेटेड होगी, प्लाईवुड एंड ब्लैक बोर्ड से, ब्लॉक बोर्ड से रिलेटेड या स्पेशलिटी प्लाईवुड से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनते हैं, ये देख सकते हैं घर में जो यूज होते हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स कौन बनाता है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स ग्रीन प्लाई कंपनी एक बनाती हुई दिखाई देती है, जो कि एक बेहतरीन कंपनी है। यहाँ पर देख सकते हैं डोर से रिलेटेड, प्लाई बोर्ड से रिलेटेड, यहाँ पर डेकोरेटिव से रिलेटेड, पीवीसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, स्पेशलिटी प्लाईवुड से रिलेटेड, तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स ये पर्टिकुलर कंपनी बनाती हुई दिखाई देते हैं। एक बार इनकी वेबसाइट पर विजिट करिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पता चलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड तो काफी बेहतरीन यहाँ पर कंपनी ये नजर आती है, कोई यहाँ पर ग्रीन प्लाई यहाँ पर चले जाते हैं तो ग्रीन प्लाई से रिलेटेड आपको यहाँ पर पता चलती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कंपनी से रिलेटेड, तो इसके इसकी मार्केट कैप देख सकते हैं, 2471 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 27 के पी पे शेयर चल रहा है, और 255 से करेक्ट होकर लगभग 202 रुपए पे शेयर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। 15% का आरओसी आरओई है, जो कि अच्छा खासा है। यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर हर्डल्स आते रहते हैं, जैसे कि स्मॉल कैप स्टॉक्स है ऑलरेडी बता दिया, स्मॉल के जब तक रिजल्ट अच्छे आ रहे तब तक शेयर बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा, बट रिजल्ट एक बार यहाँ पर खराब होते हुए नजर आया तो शेयर गिरता हुआ भी नजर आता है। तो यहाँ तक रिजल्ट अच्छे आ रहे थे तो शेयर यहाँ पर भागता हुआ नजर आ रहा था, बट जैसे ही रिजल्ट बेकार आना शुरू हुआ तो यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा, बट अगेन कंपनी के रिजल्ट अच्छे खासे आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर शेयर को यहाँ पर रिकमेंड किया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगी कंपनी के रिजल्ट, तो यहाँ पर सेल्स देख सकते हैं कंपनी की लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इस बार की जो सेल्स थी वो हाईएस्ट एवर सेल्स थी पिछले 12 क्वार्टर की,
प्रॉफिट की बात करें वो हाईएस्ट एवर था पिछले 12 क्वार्टर का। नेट प्रॉफिट ईयरली बेसिस पे बात करें सेल्स की तो वो भी आप देख सकते हैं, कंपनी की सेल्स अच्छा खासा यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया तक अच्छा खासा चली थी, फिर उसके बाद गिरती हुई नजर आई, तो शेयर प्राइस भी उसी तरीके से यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया। बट कंपनी की सेल्स दोबारा उठती हुई नजर आ रही है, पिछले 12 महीने में 1430 करोड़ की सेल्स हुई है। नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो कंपनी धीरे धीरे यहाँ पर प्रोग्रेस कर रही है। जिस तरीके से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हो रही है, यहाँ पर घर सोल्ड आउट होते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर यूज होने हैं, और जब ये प्रोडक्ट्स यूज होने हैं तो ऑब्वियसली बात है इनकी सेल्स बढ़ेगी। हम ने हाईएस्ट एवर दोबारा नेट प्रॉफिट और सेल्स आएंगे, तो ये ऑब्वियसली बात है दोबारा यहाँ पर शेयर प्राइस यहाँ पर भागता हुआ नजर आएगा। रिजर्व्स की बात करें, कंपनी का रिजर्व्स अच्छे खासे है, बोरिंग यहाँ पर कंपनी कम होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 712 करोड़ की बोरिंग थी, अभी 202 करोड़ की बोरिंग रह गई है, लगातार बोरिंग कम हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पर इंटरेस्ट कम पे करना होता है, इंटरेस्ट कम पे होता है तो यहाँ पर प्रॉफिट में बढ़ोतरी यहाँ पर दिखाई देती है। वर्किंग प्रोग्रेस में 13 करोड़ रुपए, इन्वेस्टमेंट की बात करें 23 करोड़ रुपए, और कैश की बात करें तो लगभग 130 करोड़ रुपए का कंपनी के पास कैश भी है। जो भी पैसा आता है इनकी बुक में दिखाई देता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ और पॉइंट्स, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं, प्रमोटर्स यहाँ पर अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, 0.22 से 0.22 करी, 0.25 करी, तो हर क्वार्टर में पिछले 2 क्वार्टर में थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। FIs यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं इस क्वार्टर में 2.68 हो गई है। DIs की बात करें थोड़ी सी कम हुई है, और जो यहाँ से बिक्स के यहाँ पर FIs ने खरीद लिया, जो कि अच्छी बात है। और पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास ज्यादा नहीं, केवल और केवल 15% के शेयर है, तो ज्यादा शेयर यहाँ पर पब्लिक के पास भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की, तो अगर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ग्रीन प्लाई का चार्ट पैटर्न निकालते हैं, तो आपको पता चलेगी एक बेहतरीन चार्ट पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर ये शेयर एक कंसोलिडेशन फेज में यहाँ पर जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो शेयर है काफी टाइम से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन, और यहाँ एक इसका एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल नजर आता है मुझे, कि यहाँ पर से जब ये कुछ चीजें यहाँ पर कंसोलिडेशन लगातार लगातार करने लग जाती है ना, तो चीजें यहाँ पर ऊपर जाती हुई नजर आती है। तो अगर हम यहाँ पर टारगेट की बात करें तो सबसे पहले RSI यहाँ पर देख लीजिए, 45 के यहाँ पर RSI पे चल रहा है शेयर। अगर मार्केट में गिरावट होती है, जो कि बहुत रेयरली है कि मार्केट में गिरावट होगी, तो स्टिल यहाँ पर अगर गिरावट होती है तो टारगेट अगर हम बात करें ये शेयर नीचे आ सकता है 188 रुपीज तक, तो यहाँ पर 10-15 रुपए का यहाँ पर एक अच्छा खासा गिरावट हो सकती है, और एक बेहतरीन सपोर्ट भी यहीं पर ही बनता हुआ नजर आता है। बट स्टिल अगर यहाँ से शेयर ऊपर जाता है तो यहाँ पर अलग अलग टारगेट आते हैं। सबसे पहला टारगेट यही आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 2200 रुपए यहाँ पर ऊपर है, ओके 10% के आसपास का। इसके अलावा यहाँ पर जो इसका प्रीवियस हाई बना था, एक टारगेट यहाँ पर भी बनता हुआ नजर आ रहा है लगभग 25% का, और हमारा टारगेट क्या रहता है कि 3 से 6 महीने में हमें 20 से 30% के रिटर्न मिल जाए, हमारे लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि साल में 60% 10 लाख रुपए 1000 करोड़ रुपए होते हैं, कितने में 20 साल के अंदर अंदर, अगर हमारे पास 40% की CAGR निकल के आती है। और टारगेट की और भी बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं एक बेहतरीन टारगेट और नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, ये लाइन हमने ड्रॉ ऑलरेडी कर रखी है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक दो शोल्डर बने, फिर इसके बाद यहाँ पर एक हेड बनता हुआ नजर आया, ओके दोबारा यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर एक हेड बनाया, फिर दोबारा यहाँ पर एक शोल्डर बनाया, तो यहाँ पर ये हेड बनाया, ये दो शोल्डर बनाया, यहाँ पर ये दो शोल्डर बने, और फिर दोबारा चीजें यहाँ पर नीचे आती हुई दिखाई दे रही है, और फिर नीचे जाके इस बार अगर ये भागेगा तो अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न देगा। तो पहले टारगेट तो यही, दूसरे टारगेट की बात करें जो इसके इस चार्ट पैटर्न के थ्रू बनता हुआ नजर आ रहा है, वो बनता हुआ नजर आ रहा है 275 रुपए का। 275 रुपए का मतलब सीधा सा है कि 36% के यहाँ पर रिटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो 275% के 274 रुपीज के टारगेट के लिए आप यहाँ पर अपने शेयर में यहाँ पर इस पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। बट जो भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करके यहाँ पर करना है। यहाँ पर चीजें अच्छी नजर आ रही है, कंपनी के जो रिजल्ट है वो हाईएस्ट एवर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगली बार के भी रिजल्ट अच्छे खासे ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे जैसे इसके रिजल्ट अच्छे रहते रहेंगे, कंपनी का शेयर फिर दोबारा ऊपर जाएगा और अच्छे रिटर्न आपको मिलेंगे। बट बाइंग सेलिंग की अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करके ही करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके सपोर्ट करिएगा, हमसे कॉन्टैक्ट इस पर्टिकुलर नंबर पे करिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।